हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम लोग दुम्मा बॉर्डर से अभी निकल चुके हैं एंड यहां से आपको आगे का कांवरिया पथ दिखाएंगे। और अभी का जो टाइमिंग हो रहा है वो अभी शाम का बज रहा है, 6 अभी बजने वाला, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार देखिए कि हमारा जो कांवरिया पथ में होता है वो शाम के टाइम का किस तरह का यहाँ पर लुक रहता है, किस तरह दिखता है शाम के टाइम में एंड अभी किस तरह का दिख रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो हमारा सावन है वो अभी सावन नहीं आया है, अभी सावन आने में अभी भी बहुत टाइम है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अभी जो हमारा इधर का तैयारी वगैरह है शाम के समय में आपको किस तरह का दृश्य इधर आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग दुम्मा बॉर्डर से बस आगे की ओर निकल चुके हैं एंड देख सकते हैं कि आप लोग कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर कांवरिया पथ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो आप आगे में देख रहे हैं ये यहीं पर हम लोग का कांवरिया का गिनती होता है, मतलब कि जितने भी बम लोग आते हैं कांवर लेकर के यहीं पर सभी बमों का यहाँ इस जगह पर गिनती किया जाता है। और जब सावन का जब टाइम होता है तो ये रास्ता हम लोग के लिए ब्लॉक रहता है क्योंकि हम लोग को थोड़ा आगे से घुमाया जाता है, ये रास्ता सिर्फ कांवरियों के लिए रहता है। और दोस्तों इधर देख सकते हैं कि दोस्तों इधर अभी दुकान वगैरह भी बनना, हमारा जो कांवरिया पथ में दुकान वगैरह भी बनना है अभी शुरू हो चुका है एंड अभी काफ़ी हद तक अभी हमारा जो कांवरिया पथ में काम वगैरह भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। और देखिए अभी जो आपको कांवरिया पथ में अभी देखिए इधर दुकान वगैरह सारा चीज़ अभी बनना शुरू हो चुका है एंड देखिए इधर का जो मतलब अभी कांवरिया पथ में अभी भी एक भी बम लोग अभी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी सावन के टाइम में, सावन आने में भी बहुत टाइम है। मुश्किल से आपको दोपहर में अगर हो सकता है तो 5-10 आपको बोलबम आपको बम मिल जाए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और जो ये कांवरिया पथ में दोस्तों अभी बालू वगैरह भी अभी कुछ नहीं अभी डाला गया है। देखिए ये सब पहले बार साल का था, जो पिछले वर्ष में पंडाल वगैरह बनाया गया था उस साल का भी था। देखिए इधर भी आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ एंड दोस्तों जब आपको जब मतलब कि दुम्मा बॉर्डर के पार मतलब बिहार साइड मतलब कि बालू वगैरह सारा चीज़ अभी डाल दिया गया कांवरिया पथ में, और वो भी आपको हम दिखाएंगे। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। जो बेल आइकन को आता है वहाँ पर घंटी वाला ऑप्शन उसको ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डाले तैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत से चले जाए। तो देख सकते हैं अभी कांवरिया पथ का कुछ इस तरह का आपको हाल इधर देखने को मिल रहा है। दुकान वगैरह भी इधर बनना शुरू हो गया, कुछ दुकान हमको इधर बनने को दिखा एंड काफ़ी दुकान तो इधर नहीं अभी दिख रहा है एंड शाम के टाइम का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार का है। आप लोग इधर देख सकते हैं काफ़ी भावुक आपको दिख रहा है। इधर देखिए इधर दुकान वगैरह भी पिछले साल का जो था, पिछले साल का ही ये सब है, मतलब काफ़ी लोग जो दुकान वगैरह लगाते हैं वो पंडाल वगैरह नहीं खोलते, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं। और देखिए इधर अभी जो पंडाल वगैरह है इधर भी धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। और दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों जो हमारा सावन है वो बहुत ही जल्द से अब शुरू हो चुका है एंड अब कब से सावन शुरू है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, जाकर के अगर वो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। वो वीडियो में हम आपको सारी चीज़ बताएं कि हमारा जो देवघर में सावन है वो कब से शुरू होगा अब और कब तक चलने वाला है, तो वो वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, इसके पहले का वीडियो है। एंड देखिए कांवरिया पथ में कुछ इस प्रकार का आपको इधर दृश्य आपको इधर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक बात और बता दें कि इस बार हमारा जो सावन होने वाला है पूरे 59 दिनों का सावन होने वाला, और ये 19 वर्ष के बाद ही संभव हो पाया। 19 वर्ष के बाद ही एक पहली बार इस तरह का हो रहा है जो कि देवघर में 59 दिन का सावन अभी लगने वाला है। और 59वां दिन का वीडियो दोस्तों आप लोग को इस चैनल के जरिए आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आपको कुछ कांवरिया पथ में कुछ इस तरह का आपको इधर देखने को मिलता है। और दोस्तों जब हमारा जब सावन आ जाता है, जब कांवरिया लोग जब हम इस पथ में चलने लगते हैं तो इस पथ में काफ़ी सुविधा की जाती है कांवरियों लोग के लिए। इस कांवरिया पथ में बालू आपके गिरा दिए जाते हैं, मतलब पूरे कांवरिया पथ में बालू भरे जाते हैं, फिर जगह जगह पर आपको पानी का सुविधा दिया जाता है। बालू को एनी टाइम भिगाया जाता है हर समय, ताकि जो बालू है वो कांवरिया पथ है वो बालू के चलते गर्म ना हो, क्योंकि आपको पता हो कि दोस्तों बालू काफ़ी जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो हमारा जो कांवरिया पथ में जो बालू है वो गर्म ना हो और कांवरिया लोग को जो चलने में बम लोग को चलने में कोई चीज़ का दिक्कत का सामना उसको देखने को नहीं पड़े, तो हम लोग को बालू भी डाला जाता है और बालू में पानी वगैरह भी सारी चीज़ डाला जाता है। और आपको जगह जगह पर आपको भोजन नींबू पानी का भी आपको सुविधा हमारे झारखंड में आपको मिलता है सारी चीज़ का। और दोस्तों इस बार दोस्तों और काफ़ी डेवलप अभी हमारे देवघर होते जा रहा है और इस बार आपको काफ़ी सुविधा को देखने को मिलेगा इधर।
और देखिए अभी शाम के अप्रॉक्स 6:30 बज गए हैं। देखिए 6:30 बजे तक का आप लोग इधर दृश्य देखिए कि आपको किस तरह का आपको इधर मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। रोड भी देख सकते हैं आप लोग, रोड भी काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड आपको इधर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इधर बालू डाल दिया जाएगा तो ये रोड भी समतल हो जाएगा और कांवरिया लोग को जो चलने में दिक्कत होता है वो भी अब आराम से अब देवघर आ जाएंगे। आपको पता होगा कि दोस्तों सुल्तानगंज से जो देवघर का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 105 किलोमीटर का होता है। तो समझ सकते हैं 105 किलोमीटर चलने में मतलब अप्रोक्स किन्ने को 3-4 दिन लग जाते हैं। और दोस्तों आप लोग बोलबम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, आप लोग इस कांवरिया पथ के जरिए बोलबम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बताइएगा। और एक बार हर हर महादेव एक बार जरूर आप सभी लोग लिखिएगा, जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं सभी लोग एक बार हर हर महादेव एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम पहचान सकें कि कौन बम हमारे देवघर आ रहे हैं एंड कौन नहीं आ रहे हैं। और देखिए कांवरिया पथ में दोस्तों अभी काफ़ी मतलब कि अभी काम जो है वो स्लो हो रहा है क्योंकि अभी देवघर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है जिसके कारण इधर काम वगैरह काफ़ी स्लो हो रहा है। देखिए इधर धर्मशाला वगैरह भी देखिए अभी कुछ नहीं, सारा का सारा बंद है, सिर्फ बांस वगैरह अभी पंडाल वगैरह भी बनना शुरू हुआ। देखिए दोस्तों इधर आपको देखने को मिल रहा है सारा चीज़ अभी इधर बंद कर दिया गया है और अब काफ़ी जल्द ही अब हमारा जो सावन है वो तैयारी वगैरह सारी चीज़ शुरू हो जाएगा। जैसे ही शुरू होगा तैसे मैं आप लोग को रोज़ का रोज़ मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा, एक सुबह को एक शाम को, और हो सके तो मैं रात को लाइव भी कर सकता हूं। तो ठीक है, तो आप लोग रोज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और देखिए यहां पर किस तरह से पंडाल वगैरह बनाया जा रहा है, देखिए इधर दोस्तों थोड़ा सा गाँव वगैरह भी पड़ जाता है तो इसीलिए कुछ लोग आपको इस पथ में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कांवरिया पथ में आपको दिखा रहा हूँ पूरा। और देखिए एक है यहाँ पर हमारा ओवरब्रिज, आप कह सकते हैं ऊपर से ट्रेन पार होती है और नीचे से बम लोग इधर से जाते हैं। एंड इसके आगे है हमारा दोस्तों ये खिजुरिया। आप देखिए इधर किस तरह से पंडाल वगैरह बनना शुरू हो चुका है, मतलब काफ़ी जगह शुरू भी हो चुका है, काफ़ी जगह शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी जगह धीरे धीरे काम हो रहा है, काफ़ी जगह स्पीड से काम हो रहा है। अगर बिहार तरफ जाते हैं तो बिहार साइड में आपको काफ़ी स्पीडली काम हो गया, तो मतलब कि दुम्मा बॉर्डर के आगे शायद बालू वगैरह भी शायद डाल दिया गया। तो मैं आपको अपडेट में आपको दिखाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं ये वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जो कि पूरा सेकंड पार्ट यही वीडियो का यहाँ तक देवघर को मैं आपको शाम का दिखाऊंगा, पार्ट 2 इसका आएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दुम्मा बॉर्डर का जो क्या अभी स्थिति है, क्या अभी वहाँ का हाल समाचार है उस कांवरिया पथ का। आगे चलेंगे और आपको सारी चीज़ आपको दिखाने का ट्राई करेंगे। देखिए कांवरिया पथ अभी कुछ इस तरह का आपको इधर देखने को मिल रहा है, लाइटिंग वगैरह भी इधर कुछ जगह पर लाइटिंग वगैरह भी देखने को मिला, लेकिन जब सावन आ जाएगा तो पूरे में तो पंडाल बन जाता है, पूरे में आपको हर एक जगह सुविधा मिल जाएगी, हर पूरे कांवरिया पथ में आपको लाइटिंग का भी आपको व्यवस्था मिल जाता है, कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता कांवरिया के लिए। तो आप लोग भी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं कांवरिया पथ में, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा और आना चाहिए। और महादेव से एक ही रिक्वेस्ट, भोले बाबा से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिनकी भी जो मनोकामना है जल्दी ही पूरी करें और आप लोग की भी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी कर दे। तो देख सकते हैं कांवरिया पथ का कुछ इस तरह का भी आपको दृश्य आपको इधर देखने को मिल रहा है, कुछ बम लोग यहाँ पर अभी तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखिए इधर देखिए किस तरह से इधर बांस वगैरह भी गढ़ दिया गया है और इसी में कांवरिया लोग को अच्छे से रखा जाता है ताकि कांवरिया लोग को किसी को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम या फिर समस्या नहीं हो। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको इधर देखने को मिल रहा है कांवरिया पथ में। और बालू वगैरह तो अभी इधर डाला नहीं गया, बालू वगैरह सिर्फ आपका दुम्मा बॉर्डर के आसपास ही आपको डाला गया, कहीं कहीं बालू हमें दिखा, मतलब कि बालू को इकट्ठा करके रखा गया है, आप कह सकते हैं कि बालू को गिरा करके वहाँ पर रख दिया गया एंड अब से तो काम शुरू भी हो जाएगा और तैयारी वगैरह जैसे ही शुरू हो जाएगा मैं आपको सारा का सारे अपडेट मैं आपको इस चैनल के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूं देवघर का सावन से रिलेटेड, किस तरह का तैयारी चल रहा है, क्या हो रहा है देवघर में, सारी चीज़ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए, सभी लोग हर हर महादेव लिखिए। और देखिए रात का कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है हमारा कांवरिया पथ में शाम के टाइम का। तो दोस्तों ये वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा और आगे हम लेकर के चलते हैं, उसके बाद इसका यही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट दोस्तों पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि पार्ट 2 इसके आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके आगे किस तरह का अभी आपको सीन इधर आपको देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खिजुरिया के पास पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही दूर के बाद हम खिजुरिया पहुँच जाएंगे। और देख सकते हैं अभी कांवरिया पथ कुछ इस प्रकार का है,
देखिए ये पुल है, हमारा एक छोटा सा पुल अभी हमको देखने को मिला, और शाम का कुछ दृश्य देख सकते हैं। शाम का दृश्य मतलब कि बहुत ही अलग होता है। देखिए ऊपर आपको नीले नीले बादल दिख रहे हैं और नीचे आपको इतना अच्छा कांवरिया पथ, क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा, पार्ट टू आप लोग के लिए मैं लाऊंगा, तो पार्ट टू आप लोग के लिए रेडी रहिएगा। एंड यहीं से पार्ट टू में आपको दिखाना कंटिन्यू करेंगे एंड पूरे देवघर तक का आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।